एसबीआई का बेस्ट एसडब्ल्यूपी प्लान, जहां पे आप 20,000 से लेकर के 60,000 रुपये मंथली विड्रॉ कर सकते हैं और जिंदगी भर आप एकदम आराम से जैसे पेंशन की स्कीम है ना वैसे लाभ ले सकते हैं। पूरे वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल बने रहिए ताकि आपको ए टू जेड सारा इंफॉर्मेशन मिल सके। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम पांडे, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो के अंदर। और आज हम लोग बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को कैरी करते हैं लेते हैं, कुछ न्यू जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको पता नहीं रहता है उनके लिए कुछ यहाँ पे हम लेके आए हैं, जहाँ पे आपको एसडब्ल्यूपी प्लान के बारे में बताएंगे क्या होता है। पहले तो इसके फुल फॉर्म देख लीजिए, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। आपने एसआईपी के नाम सुना होगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, लेकिन यहां पे आपको मिलेगा सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। विड्रॉल का मतलब है कि आप, तो यहां पे सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, आप जिस तरह से सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान था आप विड्रॉल प्लान ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले चीज, कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं हम लोग और उस क्वेश्चंस को हम लोग वन बाय वन करेंगे ताकि आपको ए टू जेड सारा इंफॉर्मेशन पता चल जाए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विच बैंक इज द बेस्ट फॉर एसडब्ल्यूपी, कौन सा बैंक है जो कि एसडब्ल्यूपी के लिए बेस्ट है। इसमें से इज एसडब्ल्यूपी बेटर देन एफडी, क्या एफडी से बेटर है एसडब्ल्यूपी। तो अगर हम लोग बैंक की बात करें तो आप एसबीआई ले लो, आईसीआईसीआई ले लो, जहां पे आपको एसडब्ल्यूपी की एक बढ़िया व्यवस्था मिल जाती है। इज एसडब्ल्यूपी बेटर देन एफडी। अब बात करें कि देखिए, आप बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते हो, वहां से एफडी में आपको हर साल एक फिक्स रिटर्न मिलता है, लेकिन आपको 7 से 7.5% का ही रिटर्न मिलता है, 7 से 7.5% का रिटर्न मिलता है। और म्यूचुअल फंड्स कम से कम आपको भैया कम से कम तो 14 से 15% 16% रिटर्न्स बना देता है, यानी कम से कम इससे डबल रिटर्न्स बनाता है। तो बेशक भाई एफडी से बहुत बेटर है हमारा एसडब्ल्यूपी प्लान थ्रू द म्यूचुअल फंड। हाउ टू ओपन अ एसडब्ल्यूपी अकाउंट, किस तरीके से एसडब्ल्यूपी अकाउंट हम लोग ओपन कर सकते हैं, क्या माइनर कर सकते हैं एसडब्ल्यूपी अकाउंट, क्या मेजरिंग कर देंगे। तो दोनों कर सकते हैं, माइनर और मेजर दोनों एसडब्ल्यूपी आप खोल सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना। मैं टू जेड देखते हैं, हु इलिजिबल फॉर एसडब्ल्यूपी, कौन ऐसे लोग हैं जो इलिजिबल है एसडब्ल्यूपी के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ टर्म्स लेते हैं। यहाँ पे कुछ बेस्ट जो है बैंक्स की बात करें तो यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, जहाँ पे पहला फंड है जहाँ पे आप पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एसडब्ल्यूपी के लिए। दूसरा जो फंड है वो हाइब्रिड जो है वो एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड रेगुलर फंड, ये दूसरा फंड है जहां पे आपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं एसडब्ल्यूपी प्लान लेने के लिए। अगर आपको एसडब्ल्यूपी लेना हो, मान लीजिए एसडब्ल्यूपी लेना हो, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक फंड क्रिएट करना पड़ेगा। आपके पास फंड होने चाहिए तभी वहां से एसडब्ल्यूपी निकालोगे ना। आपके पास एक, मान लीजिए कि आपको नल से पानी चाहिए, तो पहले तो नल भरा होना चाहिए ना सर, नल भरा होना चाहिए और नल में पीछे से कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, इसे भरते होना चाहिए फिर निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले तो नल को भरना होगा ना भैया, वो पहले तो क्या करना होगा कि जब आप किसी ड्रम को भरोगे तब नल से पानी आएगा ना। तो सबसे पहले आपको फंड क्रिएट करना होगा। अब फंड क्रिएट करने के लिए या तो एसआईपी करो, एसआईपी करना यानी 15 साल के लिए मान लो एसआईपी करो, लगातार आप 20,000 रुपये जमा कर रहे हो पर महीने, 10,000 रुपये जमा कर रहे हो पर महीने, 15,000 रुपये जमा कर रहे हो पर महीने, तो या तो एसआईपी के थ्रू फंड क्रिएट करो, या तो लमसम के थ्रू। एक बार में आपने क्या किया कि 2 लाख रुपए जमा कर दिया, 5 लाख रुपए जमा कर दिया, अब उसको छोड़ दिया कुछ समय के लिए और एक ह्यूज फंड क्रिएट हो गया। तो सबसे पहले एसडब्ल्यूपी लेने के लिए आपको दो काम करने होते हैं कि भैया आपको एक फंड क्रिएट करना पड़ेगा, और जब फंड क्रिएट होगा देन उसमें से पैसे क्या कर सकते हैं आप निकाल सकते। अब जब फंड क्रिएट हो जाएगा ना, तब उसमें से आप पैसे आराम आराम से निकालते रहो, उसको कहीं और इन्वेस्ट कर दो, वहां से कुछ पैसे उसमें आता भी रहेगा निकलता भी रहेगा, तब आपके पास क्या होंगे। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए आगे के प्रोसीजर हम लोग देखते हैं। अगर मान लीजिए कि आप 20,000 पर महीने का एसआईपी करते हैं और आप 15 साल तक एसआईपी करते हैं, 17 का अगर रिटर्न्स बना के देता है तो लगभग 1.65 करोड़ हो जाता है। इतने वैल्यू आपकी बन गई, 1.65 करोड़ रुपए आपकी वैल्यू बन गई। अब उसमें से आपको लगाना यार 15 साल इन्वेस्ट किया है तो चलो उसमें से कुछ पैसे निकाल लो और कुछ पैसे को रीइन्वेस्ट करके एसडब्ल्यूपी प्लान ले लो ना। इसमें से आपने 50-60 लाख रुपए निकाल लिया और फिर क्या कि भैया 1 करोड़ रुपए को हम रीइन्वेस्ट कर दें।
अब री इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या करना हो, तो या तो सेम फंड में करो जिसमें आपने एसआईपी किया था, या तो लमसम किया था, या तो आप फंड चेंज कर दो, ऐसे फंड में करो जहां पे सेफ हो, आराम से आपको 12-13-14% रिटर्न्स मिलता हो, और हर आपको क्या करना है कुछ पैसे उसमें से आपको 5-6% क्या करिए आप निकालते रहिए, तो आप आराम से काम आपका चल जाएगा। अब इसमें देखिए होता क्या है, जैसे कि आपने 60 लाख रुपए निकाल लिया, 1 करोड़ को री इन्वेस्ट कर दिया आपने। अब इसने क्या किया कि वन री इन्वेस्ट कर दिया, कितने को, 1 CR को आपने री इन्वेस्ट किया, इसमें से कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया, या आपने पूरा भी री इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं ना, कुछ काम है भैया इतना पहले हम निकाल के पैसा कुछ काम कर लें और मेरे पास कुछ पैसे हैं, देन उसको हम री इन्वेस्ट कर दें। तो आप अगर आप री इन्वेस्ट करते हैं इसमें, तो आपके पास देखिए, मैं तो सजेस्ट करूंगा SBI इक्विटी हाइब्रिड में री इन्वेस्ट करिए, या तो HDFC इक्विटी हाइब्रिड में इन्वेस्ट करिए, जहां पे इक्विटी प्लस डेप्ट का एक बैलेंसिंग कॉम्बिनेशन मिल जाता है आपको, एक फिक्स इक्विटी से तो मिलता ही मिलता है, आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको डेप्ट फंड से क्या होता है इजिली मिल जाता है। तो मैं कोशिश करता हूं, बताने की कोशिश करता हूं कैसे फंड में इन्वेस्ट करिए जहां पे एक बैलेंसिंग हो डेप्ट प्लस इक्विटी का। तो ये 2 फंड है जहां पे री इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूं कि मान लीजिए कि आप SBI इक्विटी हाइब्रिड में 1 करोड़ रुपए री इन्वेस्ट किए, अब इसमें 60,000 रुपए पर महीने आप विड्रॉ करते हैं, 60,000 रुपए पर महीने, हमने 20,000 बोला था, 60,000 करते हैं आप 10 साल के लिए, 20,000 करेंगे तो हो सकता है 30 साल, तो कौन जीता इतना यार। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कम बेसी अमाउंट कर सकते हैं, जितना लॉन्ग करना हो थोड़ा सा कम कर लीजिए, शॉर्ट करना हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपना कर सकते हैं 10 साल 15 साल 20 साल, जितने एक लिए आप विड्रॉल प्लान लेना चाहते हैं, 60,000 पर महीने 10 साल के लिए करना चाहते हैं, और अगर इसमें 13% का रिटर्न्स बना के देता है, तो फिर भी 60,000 पर महीने आप निकालने के बाद भी 10 साल बाद आपके पास 2 करोड़ रुपए होगा। आपने इन्वेस्ट कितना किया था, सिर्फ 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कितना किया था आपने, 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था, लेकिन जब विड्रॉ करने के बाद 10 साल तक 60,000, अब आपको कुछ पैसे डालने वाले की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पैसे निकाल रहे हो और लास्ट मूवमेंट में आपने 1 करोड़ लगाया, 60,000 आपने पर महीने क्या कर रहे हो भैया निकाल रहे हो पैसे, और एट द लास्ट 10 ईयर्स के बाद आपके पास क्या होगा भाई, 2 करोड़ रुपए आपके पास मिलेंगे। उसी तरह अगर हम HDFC की बात करें तो यहां पे वही है भैया, HDFC में भी वही सेम चीज है, इसमें भी लगा 2 करोड़ करीब, ये भी 12-13% का क्या किया है रिटर्न्स बना करके दिया है। अब बात करने वाली बात है ना, कुछ SWP में ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है ना कि जिस फंड में आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर मान लो 13% का रिटर्न्स दे रहा है, तो आपको 13% विड्रॉ नहीं करना है, आपको इसमें से 7-8% विड्रॉ करो, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है, 7-8% ही विड्रॉ करना है। ऐसा नहीं कि आपने 13% वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, वहां से 12-13% 14% का रिटर्न्स आ रहा है और आप यहां पे 15% निकाल रहे हो, तो फिर आपका अमाउंट बढ़ने के बजाय क्या होगा, घटेगा। तो एक कोशिश करनी चाहिए कि जितना रिटर्न्स इन हो रहा है तो उसे कम ही आउट हो, ताकि हमारा फंड क्या हो, कंपाउंडिंग की मैजिक को बनाए रखे। एक और सावधानी देखनी होगी, जब मार्केट क्रैश होता है या मार्केट डाउन होता है, कभी कभी होता है ना मार्केट डाउन, जैसे कि भाई हमारा 20 में हो गया था, अभी कुछ समय में होता है, कुछ समय के लिए नहीं लॉन्ग टर्म के लिए अगर होता है, तो उस समय क्या करना होता है कि आपको HWP क्या करिए, आप स्टॉप कर दीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो इतना करेंगे तो आप बहुत आसानी से स्मूथली अपना पैसा बना सकते हैं, और हमारे चैनल पे इस तरह कंटेंट रेगुलर बेसिस मिलते हैं, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, शेयर कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।